Welcome students, welcome to your maths class. Today we have to do exercise 3B of your maths book, page number 59. First of all, in first part, complete the following, one is done for you. कहते एक हमने आपको करके दिया है, इसके बिल्कुल ही समान आपने बाकी भी कंप्लीट करने हैं. तो जैसे फर्स्ट में दिया है थ्री टेंस एंड वन वन, कि थ्री जो है टेंस है और एक वंस है. हमें पता है टेंस और वंस कैसे होते हैं, जो जीरो से लेके नाइन तक होते हैं, वन से लेके नाइन तक क्या होते हैं, सारे वंस होते हैं. तो टेन से टेंस स्टार्ट होते हैं, वन से नाइन तक हम सभी को वंस बोलते हैं. जैसे ये वन है तो ये वंस हो गया, लेकिन इसके आगे अब थ्री लग गया तो थ्री ये डबल हो गए तो ये टेंस आएगा. थ्री टेंस में आएगा लेकिन वन जो है वो वंस में ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर देखते हैं, जैसे वन फर्स्ट वाले में कितने डॉट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इट मीन्स ये टेन है तो एक टेंस हो गया. सेकंड वाले में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसमें भी कंप्लीट टेन है तो ये टू टेन हो गए. थर्ड में कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसमें भी टेन है तो ये थ्री टेन हो गए. इसमें भी कंप्लीट टेन थे, इसमें भी कंप्लीट टेन थे, इसमें भी वन टेन टू टेन थ्री टेंस, थ्री टेंस हो गए. इसमें देखते हैं कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो इसमें भी टेंस है. थ्री टेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक और टेंस मिल गया, फोर टेंस हो गए. तो फोर टेंस क्या हो जाएंगे, फोर्टी. ऐसे ही उन्होंने थ्री टेंस दिए हैं, जाने कि थ्री को टी के नीचे राइट करेंगे एंड वन वन, तो वन के नीचे वन को राइट करेंगे. ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, 31. नेक्स्ट में देखते हैं, हम अपनी चॉइस से लिखेंगे थ्री टेंस. थ्री टेंस हो गए तो यहां पे क्या राइट करेंगे, थ्री थ्री वंस, तो थ्री वंस है तो वंस के नीचे थ्री लिखेंगे, दैट इज क्या बन गया, 33. नेक्स्ट टू सम्स आप खुद से ट्राई करेंगे. हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. काउंट इन टेंस एंड वंस, वन इज डन फॉर यू. टेंस में काउंट करेंगे, ये जो बंडल है ये टेन टेन के हैं, तो ये टेन का एक बंडल है तो एक टेंस हो गए, टू टेंस हो गए, थ्री टेंस हो गए, तो यहाँ पे थ्री आ गया. अब वंस काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो वंस के नीचे सेवन आ जाएगा, दैट इज 37. नेक्स्ट में आते हैं, ये याद रखना है बेटा, ये एक बंडल जो है ये टेन का बंडल है, तो एक टेंस टू टेंस थ्री टेंस, मीन्स टेंस के नीचे थ्री, क्योंकि ये थ्री टेंस है तो टेंस के नीचे थ्री. अब वंस काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन वंस है तो वंस के नीचे नाइन, कितने बन गए, 39. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 39. वेरी इजी सम, टू आप खुद से ट्राई करेंगे. कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो बिल्कुल ही हमारे 3B के सेकंड पार्ट के जैसी है, सेम टू सेम. इसमें भी एक प्लेट टेंस की है तो ये वन टेंस हो गए, टू टेंस हो गए, क्योंकि इसमें टेन आइटम्स हैं, तो टेन टेन की प्लेट है. वन टेंस हो गए, टू टेंस हो गए, थ्री टेंस हो गए, फोर टेंस हो गए, यानी कि फोर को हम टेंस के नीचे राइट करेंगे. यानी कि फोर को हम टेंस के नीचे राइट करेंगे, तो नीचे काउंट करते हैं, ओनली वन है तो वन को वंस के नीचे, 41. हमें पता है ये टेंस की एक प्लेट है, तो एक टेन, टू टेन, थ्री टेन, फोर टेन, तो यहाँ पे फोर राइट कर लेते हैं.
सभी प्लेट्स फोर दी गई हैं जो टेंस वाली है, तो सभी टेंस के नीचे फोर फोर ही आएगा। नीचे हम बस वंस को काउंट करके लिखते जाएंगे, वन टू थ्री, थ्री वंस हैं, तो ये कितने हो गए 43। ये हमें पता है फोर प्लेट्स हैं, फोर टेंस हो गए क्योंकि एक में टेन है, फोर टेंस हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वंस, वंस के नीचे फाइव लिख देंगे, 45। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।